Hey guys, welcome to Fanatics Gaming. This is Ritika and I'm back with a new video. और जैसे आपको पता है BGMI का early access आज आ चुका है. Game जो है hopefully कल launch हो जाएगी. But I think सभी का अभी फिलहाल एक concern है account transfer को लेके, जो data transfer है उसको लेकर. तो उसके बारे में ही हम इस video में बात करने वाले हैं. So अगर आपने अपना account जो है Facebook से link कर रखा है, Twitter से link कर रखा है, तो आप अकाउंट को ट्रांसफ़र कर ही सकते हो. लेकिन अगर आपने गूगल प्ले गेम से कर रखा है तो अभी आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा. तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं. उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. ऐसी और भी वीडियोस आने वाली हैं BGMI की. वीडियोस अब रेगुलरली इस तरीके की आती रहेंगी. तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना. वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो एक तो ये जो इश्यू हुआ बैन होने का, उसका एक रीज़न ही यही था डाटा, कि हमारा डाटा सिक्योर नहीं है. तो अभी फ़िलहाल उन्होंने यहाँ पे एक नोटिस भी आप देख सकते हो. जब अकाउंट डाटा ट्रांसफ़र का आप देखोगे तो वहाँ नोटिस में ही ये चीज़ लिखी है कि अब जो भी डाटा स्टोर होगा वो सिंगापुर और इंडिया में ही स्टोर होगा. तो जो भी कंसर्न था हमारा कि चाइना में डाटा जो है लीक हो रहा है और ये सारी चीज़ें, तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडिया में और सिंगापुर में ही स्टोर होगा. और डाटा ट्रांसफ़र अगर आपको करना है वहाँ से इसमें ग्लोबल से, यानी BGMI के अंदर, तो 31 दिसंबर 2021 तक आप लास्ट कर सकते हो. उसके बाद आप नहीं कर पाओगे. चलो तब तक तो पता नहीं कोई रुकेगा कि नहीं. मुझे लगता है आज कल या हफ्ते के अंदर सारे लोग जो हैं वो चीज़ कर ही लेंगे डाटा ट्रांसफ़र. लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है जो बहुत लोगों को फेस करने को मिल रही है. फेसबुक और ट्विटर से अगर आपका अकाउंट लिंक था तो सिंपली आप लॉग इन कर सकते हो. कोई इशू नहीं आएगा, बहुत सिंपली लॉग इन हो जाएगा. और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो. सपोर्ट पे जब आप वहाँ पे आओगे, नोटिस ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करके आप सर्च कर लो, और वहाँ पे पूरी डिटेल्स जो है उन्होंने वहाँ पे लिखी हुई है किस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, एग्री करना है कहाँ पे, क्या येस करना है, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने दी हुई, डिटेल में दिया हुआ. ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही ब्रीफ में दे दिया हो, बिल्कुल डिटेल में चीज़ दी हुई है सो दैट आप ढंग से उस चीज़ को कर पाओ. तो उन लोगों का तो हो जाएगा जिसका फेसबुक और ट्विटर से लिंक है. लेकिन जिसका उससे लिंक नहीं है, जिसका गूगल प्ले गेम से लिंक है, उसका क्या होने वाला है पहले तो ये हम समझ लेते हैं. देखो अभी तो फिलहाल अगर आप चला के देखोगे अर्ली एक्सेस में तो ये चीज़ कुछ नहीं दिखाई दे रही. और अगर आप सोच रहे हो कि कल देखने को मिल जाएगा तो उसके भी चांस मेरे ख्याल नहीं है. क्योंकि अगर आप सपोर्ट पे जाके अगर आप ढूंढ के देखते हो तो उसमें एक चीज़ लिखी है, इन द केस ऑफ गूगल प्ले गेम्स अकाउंट गूगल नो लॉन्गर सपोर्ट्स लॉगिन्स थ्रू एन एम्बेडेड ब्राउजर सिंस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इज अ न्यूली रिलीज्ड गेम दिस ईयर. डाटा ट्रांसफ़र विल नॉट बी अवेलेबल थ्रू गूगल प्ले गेम्स अकाउंट. अब अगर ये सिर्फ अर्ली एक्सेस के लिए इशू होता कि आज अर्ली एक्सेस है इसलिए लॉग इन नहीं हो रहा और कल गेम आ जाएगी तो लॉग इन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी होती दैट सिंस BGMI इज अ न्यूली रिलीज गेम दिस ईयर डाटा ट्रांसफर विल नॉट बी अवेलेबल थ्रू गूगल प्ले गेम्स अकाउंट. तो इस चीज़ का मतलब ये बनता है कि ये गेम जो है, गेम में आपको उसके थ्रू लॉग इन नहीं देखने को मिलेगा. बट अगर मैं बात करूँ उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो जो भी अभी PUBG मोबाइल ग्लोबल वर्जन है उसको डिलीट मत करना. क्योंकि वहाँ से आपको करना क्या है, वहाँ आपको ग्लोबल वर्जन में जाना है. बेसिक सेटिंग्स में आपको लिंक करने का ऑप्शन मिलता है. वहाँ से फेसबुक और ट्विटर जो भी आप चाहते हो आप उसको लिंक कर सकते हो. और उसके बाद जाके BGMI में अगर आप लॉग इन करते हो उसके थ्रू, तो ये चीज़ है कि आपका डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है. लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप कल तक के लिए वेट करो तो और चीज़ बेटर रहेगी. क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे ही डेफिनेटली जिसने फेसबुक और ट्विटर से नहीं बनाया और गूगल प्ले गेम से बनाया हो. मे भी इसके बारे में जो है क्राफ्टन अपनी वेबसाइट पे कुछ रिलीज़ करे कि किस तरीके से कोई, अगर कोई और सोल्यूशन भी आ सकता है. बट अभी फ़िलहाल आप इससे कर सकते हो. वॉट आई कैन सजेस्ट इज़ कल तक के लिए वेट करो. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई नोटिस आ जाए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की ऑफिशियल साइट पे ही, कुछ नोटिस आपको देखने को मिल जाए और वहाँ पे इस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है. लेकिन अगर नहीं आता है तो द सेकेंड ऑप्शन व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपनी ग्लोबल आईडी चलाओ और उसमें फेसबुक से लिंक कर लो. फेसबुक से लिंक करोगे और उसके बाद जब BGMI चलाओगे फेसबुक से आप लॉग इन करके देख लेना. लॉग इन करोगे तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ये चीज़ लिंक हो जानी चाहिए. लेकिन अभी कल तक वेट करने का मैं सजेशन आपको यहाँ पे दूंगी. और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अभी आपको जितनी भी वीडियोस दिखने वाली हैं आज की डेट पे, अभी जितने काफ़ी लोग होंगे जो इस टॉपिक को कवर करेंगे,
तो वो डेफिनेटली ये चीज़ डालेंगे कि किस तरीके से सॉल्व हो गया और उनका अभी चल गया. आज तो अभी फ़िलहाल किसी का कुछ भी नहीं चल सकता है. इवन अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आप फर्दर आगे भी जाते हो तो वो चीज़ नहीं चलेगी. अगेन वो चीज़ वहाँ चल नहीं रही है, वहीं पे आके रुक जाती है. अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है. अगर आप गूगल प्ले से लॉगिन भी करने का आपको दिखाता है, आप लॉगिन करते भी हो तो एक नया अकाउंट खुलता है. वो जो भी डाटा आपका पुराना है वो माइग्रेट होके नहीं आता है. तो अभी आप कुछ भी चीज़ देखोगे अभी फ़िलहाल फेक ही होगी, मैं बता रही हूँ आपको पहले से ही. और जो भी चीज़ें डिटेल्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी सीधा ऑफिशियल साइट से, और जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगी बहुत जल्द. अभी फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्होंने यहाँ पर डिटेल में दी हुई है. यहाँ पे पूरी डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में कि गूगल प्ले के जो भी अकाउंट हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं हो सकते हैं अकाउंट ट्रांसफ़र. बाकी शाम तक आपको एक और नई वीडियो देखने को मिल जाएगी डाटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो आप ज़रूर से देख लेना. फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. इस वीडियो पर भी एम फॉर 400 लाइक्स, सो मेक श्योर यू कंप्लीट दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.